everyone, and welcome to our channel 360 Degree Learning. In this video, we are going to start daily current affairs of 2nd July 2022. So let's start with first question. Which of the following entity expanded its funding for coronavirus vaccine? Iska right answer hai B, that is World Bank. So World Bank ne additional funding di hai, that is $8 billion. और टोटल इसकी फंडिंग हो चुकी है 20 बिलियन, और जो $12 बिलियन फंडिंग है ये पहले दी जा चुकी है. तो सबसे पहले ये फंडिंग दी गई और अभी रिसेंटली ये फंडिंग दी गई है, तो टोटल फंडिंग हो चुकी है इसकी $20 बिलियन. सो इसमें नेक्स्ट 18 मंथ्स में ये इन्वेस्टमेंट किया जाएगा. इसके अलावा बैंक्स ने भी इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट किए हैं ओवर $4 बिलियन फॉर द परचेस एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ कोविड वैक्सीन. और ये पूरा डिप्लॉयमेंट किया जाएगा कोविड वैक्सीन का अराउंड 51 डेवलप्ड कंट्रीज में. तो ये वर्ल्ड बैंक ने जो है ये फंडिंग कोरोना वायरस वैक्सीन के लिए एक्सपांड की है. और रही बात वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है इन वॉशिंगटन DC. So now move on to the next question. Who among the following won Indonesia's Open title in men's double tournament? Iska right answer hai Liu Yuchen, that is B, and Oyi, that is C. That is both B and C. तो ये men's doubles में ये final में रहे हैं. Then अगर बात करें men's singles की, तो मेन्स सिंगल्स में विक्टर एक्सेलसन फ्रॉम डेनमार्क ये विनर रहे हैं. और अगर बात करें वुमेन सिंगल्स की, तो वुमेन सिंगल्स में चाइना की टाई यिंग ये विनर रही है. सो दिस इज अबाउट इंडोनेशियन ओपन टाइटल टूर्नामेंट. और वुमेन्स डबल्स की अगर हम बात करें, तो वुमेन्स डबल्स में मत्सुयामा नामी और शिदा चिहारू ऑफ जापान ये विनर रहे हैं इन वुमेन्स डबल टाइटल. तो अगर बात करें मेन्स डबल्स की, तो लियू चेन और यू ई ये विनर रहे हैं. तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेटिंग एजेंसी इम्पोज फाइन ऑन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज? इसका राइट आंसर है डी, दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. तो सिक्योरिटीज़ और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने इस पर, मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर, ₹7 करोड़ की पेनल्टी इम्पोज की है, स्पेशली ऑन फॉर्मर MD एंड CEO, दैट इज चित्रा रामकृष्णा. सो ये जो पेनल्टी इम्पोज की गई है, ये डार्क फाइबर के लिए इम्पोज की गई है. जो डार्क फाइबर केस हुई थी NSE रिलेटेड, इसके लिए इम्पोज की गई थी. तो डार्क फाइबर का मतलब होता है कि अगर कुछ इंटरनेट की एक्सेस, इंटरनेट की जो भी इंफॉर्मेशन है NSE रिलेटेड, तो स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए मैं किसी आउटसाइडर को अगर वो एक्सेस देती हूँ जो कि इलीगल है, तो वो हो जाता है डार्क फाइबर. तो ये लो कॉस्ट में भी अवेलेबल होता है. तो ये फ्रॉड इसमें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में हुआ था, जिसके लिए ये 7 करोड़ की पेनल्टी इम्पोज की गई है. और रही बात सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की, तो इसका एक एक्ट है, दैट इज SEBI एक्ट 1992. देन SEBI का हेडक्वार्टर है इन मुंबई महाराष्ट्र. और SEBI की फर्स्ट वुमेन चेयरमैन है मदर बी प्यूरी बोस, जो कि प्रेजेंट वुमेन चेयरमैन है SEBI की. और जो SEBI है, मतलब सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है. लेकिन मतलब कैपिटल मार्केट रेगुलेटर, कैपिटल मार्केट का जो भी रेगुलेटर है, रेगुलेटिंग एजेंसी है, तो इसके सारे कामकाज ये सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अथॉराइज करती है. लेकिन अगर बात आती है गिल्ड एज्ड सिक्योरिटीज़ की, ये भी पार्ट है कैपिटल मार्केट का, गिल्ड एज सिक्योरिटीज़. लेकिन सिर्फ और सिर्फ गिल्ड एज सिक्योरिटीज़ एक ऐसा पार्ट है जो कि इसे रेगुलेट करती है RBI.
ये पार्ट है कैपिटल मार्केट का, लेकिन इसे आरबीआई रेगुलेट करती है, और इसे छोड़कर बाकी सारी कैपिटल मार्केट की जो टास्क है वो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेट करते हैं। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं किया पार्ट ऑफ वर्ल्ड वॉच एंटिटी टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन SME लिस्टिंग अक्रॉस महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर है बी, दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर दैट इज मैकिया के साथ ये डील साइन की है टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन SME लिस्टिंग अक्रॉस महाराष्ट्र। तो इसमें जो SMEs है इन्हें प्रमोट किया जाएगा, और इसी के साथ साथ इनके बेनिफिट्स के लिए, मतलब स्पेशली जब स्टॉक मार्केट्स में लिस्टिंग होती है तो उस बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये डील साइन की गई है, जिससे इस डील से जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है विल प्रोवाइड इंटेलेक्चुअल सपोर्ट टू एंटरप्राइजेस जो कि महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर से टाइप है, उन SMEs को ये प्लेटफॉर्म अवेल कराएंगे। Then, what is the extended timeline of card tokenization of debit and credit cards? Iska right answer hai E, that is September 30, 2022. To card tokenization ka matlab hota hai ki jaise hum OTP dalte hai, to OTP jab hum dalte hai tab dot dot wahan par dikhai de raha hai, jo hum digits dal rahe hai wo display nahi hote. So this is known as card tokenization. तो ये फॉर सिक्योरिटी पर्पज़ ये कार्ड टोकनाइजेशन लॉन्च किए जाते हैं। तो इसकी जो डेडलाइन है ये एक्सटेंड की गई टू September 30, 2022, और ये जो डेडलाइन है ये डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड दोनों के लिए एक्सटेंड की गई है बाय 3 months। तो इसकी लास्ट डेट थी June 30, 2022, और अभी हो गई है September 30, 2022। इसके अलावा RBI ने COF टोकनाइजेशन दैट इज COFT सर्विसेज भी, इसके लिए भी इशू की है कुछ फ्रेमवर्क्स। दैट विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक लॉन्च्ड सैल्यूट डॉक्टर्स बैंकिंग सॉल्यूशन फॉर डॉक्टर्स। इसका राइट आंसर है ए, दैट इज बजाज अलायंस। सो बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस ने ये कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, और इसे लॉन्च किया गया है टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवर टू पॉलिसी होल्डर फॉर प्लान एज वेल एज इमरजेंसी ट्रीटमेंट, जो कि इंडिया के लिए भी अवेल रहेगा और इसी के साथ साथ अब्रॉड मतलब फॉरेन के लिए भी, अगर आपको फॉरेन में ट्रीटमेंट लेनी है तो उसके लिए भी ये इंश्योरेंस पॉलिसी बेनिफिशियल रहेगी। और रही बात बजाज अलायंस की, तो बजाज अलायंस का हेडक्वार्टर है इन पुणे। देन Which of the following entity launched ShopSee to enable over 25 million online entrepreneurs? इसका राइट आंसर है सी, दैट इज Flipkart. तो Flipkart जो कि ऑनलाइन entrepreneurs के लिए अभी तक था, लेकिन इसके साथ साथ अभी ये ShopSee प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए भी अवेल कराया जा रहा है जैसे Amazon में प्लेटफॉर्म अवेलेबल होता है सेलर्स के लिए। तो वो क्या करते हैं कि जो ऑन्टरप्रेनर्स है, जो सेलर्स है, वो अमेजोन के कुछ प्रोडक्ट्स लेते हैं और वो कैटलॉग वो वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करते हैं। तो जो लोग उनसे वो प्रोडक्ट खरीदते हैं थ्रू ऑनलाइन मोड, तो उन्हें उन पर कुछ कमीशन दिया जाता है। तो वही प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट ने भी अभी लॉन्च किया है जिसका नाम है ShopSee। तो इसमें सेलर्स को एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, और अकाउंट क्रिएट करने के बाद इन्हें विदाउट इन्वेस्टमेंट ये अपना मतलब फ्लिपकार्ट के कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट चूज़ करके वो कैटलॉग वेरियस सोशल मीडियाज पर शेयर कर सकते हैं। सो फ्लिपकार्ट का हेडक्वार्टर है इन बेंगलुरु कर्नाटका, और फ्लिपकार्ट के CEO है कल्याण कृष्णमूर्ति। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड YSR बीमा स्कीम। इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश, दैट इज बी। तो आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर दैट इज YS जगनमोहन रेड्डी ने ये YSR बीमा स्कीम लॉन्च की है, और इस न्यू गाइडलाइंस में ये दिया गया है कि जो डिसीज फैमिली मेंबर्स है मतलब जो एक्सपायर हो चुके हैं उनकी फैमिली को ये स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली इंश्योरेंस अमाउंट पे करेगी।
सो ये जो मूव है ये इन डिपेंडेंट फैमिलीज को फाइनेंशियली सिक्योर करने के लिए ये वाईएसआर बीमा स्कीम लॉन्च की गई। तो ये स्कीम यूजफुल रहेगी अराउंड 1.32 लाख फैमिलीज। सो इस स्कीम में स्टेट गवर्नमेंट ने अराउंड ₹750 करोड़ अलोकेट किए हैं फॉर द ईयर 2021 to 2022। और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं वाई जगन मोहन रेड्डी और गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक लॉन्च्ड सलाम दिल से इनिशिएटिव। इसका राइट आंसर है सी, दैट इज HDFC बैंक। तो सलाम दिल से ये इनिशिएटिव निकाला गया है डॉक्टर्स को ग्रैटिट्यूड पे करने के लिए। सो इसमें एक अलग वेबसाइट बनाई जाएगी, दैट इज www.salamdilse.com, जहाँ पर जनरल पब्लिक लॉग इन करके इन्हें थैंक यू का मैसेज वाया ईमेल, सोशल मीडिया एंड व्हाट्सएप ये सेंड कर सकते हैं। तो COVID-19 में डॉक्टर्स ने खुद की परवाह किए बगैर जो भी कंट्रीब्यूशन दिया है तो इसके लिए ये ग्रैटिट्यूड उन्हें दिया जाएगा। और रही बात HDFC बैंक की, तो HDFC बैंक का हेडक्वार्टर है इन मुंबई महाराष्ट्र एंड द टैगलाइन ऑफ HDFC बैंक इज़ वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। तो ये थे आज के हमारी 2 जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।